अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना अलीय व सय्यदतना फातिमा व सय्यदतना زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم। खैर मुख्तसर निकाह हो गया, सब हो गया, सब जाने लगे तो हजरत बिलाल भी जाने लगे, सिद्दीक अकबर आखिरी आखिरी बचे हुए थे, सब सब चले गए तो हुजूर सिद्दीक अकबर पीछे पीछे हाथ जोड़े हुए मस्जिद नबी से बाहर निकले। घर तो करीब ही था, छोटा छोटा मदीना था, छोटे छोटे मकान थे, मगर रहने वाले बड़े बड़े थे, बड़े बड़े थे, नमाज भी बड़ी बड़ी होती थी। बिलाल अजान देने वाले, तकबीर अली करने वाले, नमाज नबी पढ़ने वाले, और उसमें कभी मौज में आ गए इमाम हसन और हुसैन तो पीठ पर सवार होने वाले। देखा तो हुजूर ने देखा, हुजूर ने देखकर कहा सिद्दीक ठीक है अब घर जाओ। कहा या रसूल अल्लाह एक बात करूँ। कहा क्या? कहा फातिमा, हाय 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 हाय। बोले फातिमा का निकाह तो कर दिया है, मगर कुछ फातिमा को देने के लिए कुछ है? कुछ है? कहा सिद्दीक अल्लाह करीम है। बोले या रसूल अल्लाह, अल्लाह करीम तो है मगर आपका गुनहगार क्या काम का? 400 दिनार है, अभी लाया, आपके कदमों में डाल दिया। निकाह हुआ, महल 400 दिनार माँ फातिमा के पास गए, मशवरा किया, निकाह पढ़ा दिया। बेटे ये बेटी थी ना वफादार, आजकल के थोड़ी है, आजकल तो मीटिंग करवाओ, मुलाकात करवाओ, एक दूसरे व्हाट्सअप देखो, फिर माँ बाप को वो कहे हाँ करना है। अरे मट्टी तेरी निकाह भी कैसी, माँ बाप बढ़ेगा तू बड़ा। और मैंने तो यहाँ तक मुरीदों के ऐसे ऐसे कारनामे बच्चों के आए हैं और सुलह कही है और हो गई है, क्या निकाह की तैयारियां हैं और भाग जा रही हैं। और अल्लाह के करम से हबीबुल्लाह को ऐसा अल्लाह ने करम किया कि कुछ नसीहत से वापस भी आ गई और इज्जत रह गई। क्या तो जैसे पूछा सरकार ने, फातिमा तुम्हारा निकाह अली से किया है, आप खुश हो? तो आप आटा गूंद रही थी, हाय 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 क्या जमाना हो गया, आटा गूंद रही थी, आटा गूंदते गूंदते आए और सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पे सर रख के कहने लगी या मेरे बाबा, हाय हाय ऐ मेरे बाबा, ये बात तो मेरी अम्मी कहे तो अच्छा लगे, या आप कह रहे हैं, बाबा आपके सामने मैं क्या कहूँ, जो भी हो जैसे भी हो, मगर मेरी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? का शर्त यह है कि मेरा निकाह हो मगर महर मुझे 400 पसंद नहीं, 400 पसंद नहीं। किसी ने अगर सुना हो तो कुछ कुछ आवाज ऐसी आ रही है, मुझे लगता है किसी ने यह बात सुनी है, मेरे ख्याल से 400 मुझे पसंद नहीं। तो सरकार कहने लगे तो फिर क्या फातिमा क्या पसंद है? इतना हुआ जिब्रील अमीन आए, इसलिए तो कहते हैं ना कुरान इनके घर का है, जिब्रील उनके दर का खादम है। हुजूर आए, जिब्रील अमीन कहने लगे या रसूल अल्लाह फातिमा से कहो अल्लाह कहता है जन्नत का लिबास उतार के भेजूं, जन्नती लिबास भेजूं, जन्नती हीरे जवेरात भेजूं। तो हुजूर ने आका ने फरमाया कि जिब्रील आए और कह रहे हैं कि जन्नती लिबास जन्नती हीरे जवेरात भेजे, इससे खुश हैं? कहा नहीं या रसूल अल्लाह, नहीं बाबा, नहीं बाबा। तो कहा बस एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले वो शर्त आप और मैं जाने, अली को भी नहीं बताना, अली को भी नहीं बताना, बात भी खत्म हो रही है, वक्त भी खत्म हो रहा है, अली को नहीं बताना। बोले ठीक है। कहा या मैं यहां सजदा करूंगी, हाय हाय हाय,
वो भी इमाम अलंबिया की बेटी थी यार, मैं आप सजदा करूंगी और सजदे में मेरे दिल ने गवाही दी और फिर मैं आपके जरिए जिब्रील से बात करूंगी। पूरी रात सजदे में रोते रहे, पूरी रात सजदे में रोते रहे। और आपके लिए, मेरे लिए, ये चैनल देखने वाले से भी कहूंगा, आप सबके लिए ये दुआ मांगी, दुआएं मांग चुकी, दुआएं मांगी गई, क्या ए अल्लाह, अगर तूने मेरा निकाह अली से किया है, तेरी रजा है, तो मेरी भी कोई रजा है, मेरी भी ख्वाहिश है। और वो ये ख्वाहिश है, अल्लाह मेरे बाबा जब भी देखो रोते रहते हैं, मेरे बाबा जब भी देखो रोते रहते हैं, मेरे बाबा को उम्मत की फिक्र है, उम्मत से प्यार है। मेरे बाबा को उम्मत से प्यार है, उम्मत की फिक्र है, रोते रहते हैं। यहाँ तक के गारे हीरा में देखा है, भूखा प्यासा देखा है, लोगों ने सताया है उस हाल में देखा है, लोगों ने गाली गलौज किया है उस हाल में देखा है, लोगों ने जादूगर किया है वो हाल में देखा है, कायन किया है हाल में देखा है। मौला फातिमा बिनते मोहम्मद की ये आरजू है, अगर मेरा निकाह अली से करता है तो मेरे बाबा की फिक्र को दूर कर उम्मत मुस्तफा को बख्श दे। हाय हाय हाय, इसलिए मैं भी बेवफा हूँ और आप भी मुसलमान हो, आप भी मोमिन हो, देखने वाले भी, सुनने वाले भी, बैठने वाले भी, बुरा नहीं लगाना, आप भी बेवफा हो यार, वफा करना सीख जाओ, वफा करना सीख जाओ। क्या अब दिल में दर्द होता है, बेटा बीमार हो गया, बीवी बीमार है, दवा खाने जा रहा है, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, पत्थरी का दर्द है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लोग आते परेशान होते, आंखों से आंसू छना छन जाते हैं। अरे यार, अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, जो आप और मैं नापाक हैं, नापाक हैं, और अपने आप के लिए इतनी मोहब्बत है, तो कभी यार सरकार से मोहब्बत करके देखो। इनके वाकयात, इनकी ज़िंदगी, अल्लाह वालों की ज़िंदगी, सहाबाओं की ज़िंदगी, अहले बैत की ज़िंदगी उठाकर देखो और उनकी याद में रोना भी सीखो यार। कभी एक आंखों से आंसू आ जाए तो फिर बेड़ा पार हो जाए, ऐसी कुछ वफा सीखो। क्या फौरन जिब्रील अमीन गए और एक नूर का ख़त लेकर आए, कहा सरकार पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बेटी ये अल्लाह का पैगाम आया है। हाय 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 हाय, एक ही आदमी बोला सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ हाँ हाँ, जब खत आया ना, हाय 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 हाय, जिसकी बेटियां हैं, जिसकी बेटियां हैं और बाप ने अगर बेटियों से प्यार किया हो तो ख्याल आए कि बाप बेटी का प्यार क्या होता है, बाप बेटी का प्यार क्या होता है, है? जैसे आया ना सरकार पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा बेटा जिब्रील अमीन खत लाए, अल्लाह का पैगाम लाए, ऐसे ही फातिमा खातून जन्नत उठकर सरकार के गले लग गई और सीने पे सर रखकर कहा गया या रसूल अल्लाह। बाबा जान, अल्लाह को किसने देखा है, जिब्रील को किसने देखा है, हमको तो आपकी जुबान पर एतबार है, आपने कहा रमजान है, कुरान है, रहमान है, हमने मान लिया, बस खत आया है तो जरा पढ़ के सुना तो। तहरीर नूर की थी और उसमें लिखा था, मेरी प्यारी बंदी फिक्र न करो, हम तुम्हारे बाबा की उम्मती के लिए सब कुछ खैर कर देंगे। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ईद मिलादुन्नबी आया है ना, ये ईद मिलादुन्नबी है, एक घर वाले एक दूसरे को तोहफा देते हैं ना, ये आपकी बेटी ने आपको तोहफा दिया, इबादत करके, रियाजत करके, अपना सब कुछ लुटा कर, अपने बच्चों को लुटा कर ये तोहफा दिया कि बाबा फातिमा है, वहां तक फिक्र करने की जरूरत नहीं,
आखिरी जब वफात की तैयारी हुई, बहुत सारी लंबी छोड़ी कहानी है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, आखिरी वक्त की कहानी हुई, मौला अली से बुलाया, अली से कहा, अली आप मेरे सर के ताज हो, सब कुछ आपके सामने फातिमा की जिंदगी थी, मगर एक बात मैंने आपसे छुप कर रखी है, वो बताई नहीं है, बस आज की रात वो बात जाहिर हो जाएगी तो वो बात जो है मैं आपको बताती हूँ, या आप खुद जो है उसे पढ़ लेना। कहा क्या बात है फातिमा? कहा जब मैं मर जाऊँ, फिजा से कहा है मेरे कफन में, कफन के ऊपर वो चिट्ठी को रख दे, खत को रख दे। कहा फातिमा अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आपके बाबा के वास्ता देकर पूछ रहा हूँ, अभी अभी वो खत को मुझे पढ़ने की इजाज़त दो ना कि अली पढ़ ले। आपने कहा ठीक है अली पढ़ लो, उसमें लिखा था जो मैंने पढ़ा आपके सामने। क्या तो आप भी अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत आ रही है, खूब अपने घर को सजाओ, दरूद व सलाम पढ़ो पढ़ाओ, और मस्जिदों में भी आओ, दुआएं मांगो, सलाम में हाजिरी दो, ये सब कुछ अल्लाह ने किया है, अल्लाह वालों ने किया है, हुजूर ने किया है, सहाबाओं ने किया है, वलियों ने किया है, और हम उनके गुलाम हैं, हमें भी करना चाहिए। अल्लाह ताला तुम्हें और मुझे हिदायत नसीब फरमाए और सच्चा पक्का हम सबको आशिक रसूल बनाए। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना।